समझ नहीं आ रही मुझे, कहाँ जा सकती है? वो सेविल के पास भी नहीं गई। ज़ैनब रिलैक्स रहो प्लीज, मुझे सोचने दो एक मिनट। आखिर और कहाँ जा सकती है वो? यास्मीन के यहाँ पता करते हैं। ठीक है, यास्मीन का एड्रेस है तो बताओ। हाँ, याद था मुझे उसका एड्रेस। एक मिनट, ऐसा करो आगे से राइट टर्न ले लो तुम। ठीक है। जी कही है। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? हुरिया, कहाँ है वो लड़की? तुम्हारे पापा के साथ है वो। मैं तुम्हें ड्रॉप करके उसे वापस ले आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो वीडियो देखने के बाद तुम इस केस को इंसाफ के साथ डील नहीं कर सकते। तुम्हें इस केस को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, सिर्फ कानून की तरफदारी करता हूँ। उन लोगों को वैसे ही अदालत में पेश करूंगा जैसे बाकी मुलजमों को पेश करता हूँ। लोगों ने तुम्हें धमकाने की कोशिश की, और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा ये मैं होने नहीं दे सकता। ज़ैनब, बीवी हो तुम मेरी, प्यार हो तुम मेरा, और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे वो कोई भी हो। से लेकर आता हूं। हुरी आपके साथ थी, कम से कम आज तो अपनी हरकतों से बाज रहते। अरे आज मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है, बस इसी खुशी में। हमेशा कोई बहाना बना लेते। मैंने अपने लिए पिए किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मजीद और क्या नुकसान करेंगे आप? जो कुछ माजी में हुआ क्या वो कम था? तुम उस अर्जुमन से दोबारा मिलने लगी हो ना? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? मालूम है मुझे, हुरिया ने सब बता दिया। चुप हो जाए आप। तुम अब तक नहीं सुधरी ना? मुझे तो शर्मिंदा करवा दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब अपने शौहर की भी ना कटवाओगी तुम? आखिर किस किस्म के आदमी हैं बाबा? कितनी बार बताऊं मैंने कुछ नहीं किया था। शक करने के बजाय कभी सोचा आपकी बेटी पर क्या गुजरी होगी इस हादसे के बाद? अपनी जिंदगी तो आपने सुकून से गुजार ली। तुम्हारी वजह से कोई मुझसे बात तक नहीं करता। अरे तुम्हें क्या पता कि हर दिन मुझ पर क्या गुजरती है? तुम क्यों सोचोगी अपने इस गरीब बाप के बारे में? खुद तो तुमने एक अमीर आदमी के साथ शादी कर ली और तुम खुश हो इसके साथ? इस बाप की आह लगेगी तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? तुम्हारा बाप क्या खाता है, क्या पीता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा इससे? मेरी बात सुनो, शराफत से मुझसे मिलने आया करो, वरना मैं तुम्हारे शौहर को वो सब बातें बता दूंगा। कितने बेशरम इंसान है आप। हाँ, सालों मेरी माँ ने भुगता है, तड़पा के मार दिया आपने उसे। ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो बेटा चले।
चलो बाबा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा, बाबा को भूलना मत। हमें बताने का बहुत शुक्रिया, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। इसमें शुक्रिया की क्या बात, मुझे खुशी होती अगर चाय पी लेते तो। फिर कभी।